और देखो भाई क्या हो गया मेरे साथ इस ट्रेन में, देखो भाई पूरा खूनम खून हो गया। आई एम वरीड अबाउट आंटी एंड लेडीज बिकॉज हाउ दे सर्वाइव। वेलकम टू पंक वर्ल्ड एंड वेलकम टू श्रीलंका गाइस। यहाँ पर देखो भाई क्या हमारी हो रही है श्रीलंका के अंदर। अच्छा आगत बड़ी बड़ी है ट्रेन और कैसे आप समझ कर सकते हैं श्रीलंका में भाई इंच भर की भी जगह नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू पंकु वर्ल्ड। अभी हम हैं कोलंबो में हमारे हॉस्टल में, बस अब निकलने वाले हैं भाई किसी और शहर। ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन और हॉस्टल भाई ये अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। ओके बाय बाय। बार पहले ट्रेन स्टेशन जाऊँगा फिर देखूँगा भाई कहाँ जाना है मुझे, दो तीन जगह मेरे दिमाग में है तो इस बार ना इसी तरह चल रहा हूँ भाई। कोई ऐसा प्लान व्लान मैंने बनाया नहीं अभी तक, बस जहाँ जो लगेगा जैसे लोगों ने बोला भाई इस जगह जाओ ये अच्छी जगह है यहाँ एक्सप्लोर करो तो मैं वहाँ चला जा रहा हूँ ताकि कुछ नया देखने को मिले कुछ अच्छा देखने को मिले। ये है यहाँ का सेकेंडरी रेलवे स्टेशन। भाई मेरे को तो रेलवे स्टेशन का बड़ा सिस्टम अच्छा लगा। देखो आप अंदर जा सकते हो, अंदर जाने के बाद आपको टिकट लेना है वहाँ पर। हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले टिकट लो उसके बाद ही प्लेटफॉर्म के अंदर जा सकते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और ना यहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह लगता है। ठीक है ईजीली आप भाई जा सकते हो। जैसे मैं ये रास्ता बना दिया हमने, लोगों का रास्ता है ये आने जाने का उधर की तरफ, तो स्टेशन से लोग आ जा सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रेन जर्नी बहुत अच्छी है, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा ज़रूर देखना यार क्या जर्नी मैंने दिखाई थी जब मैं माउंट लवेनिया गया था, बीच दिखाया था और मेरे भाई चप्पल गुम गए थे। तो अभी देख लो भाई अभी मैं जूते ही पहन रहा हूँ, चप्पल गुम चुके हैं, चप्पल नए लेने पड़ेंगे मुझे, खरीदने पड़ेंगे यहाँ पे। चप्पल चुरा लिए यार देख लो है बीच पर से, ऐसा कोई नहीं यार बीच पर होते हैं नशेड़ी लोग वगैरह भी होते हैं कुछ ऐसे होते हैं तो वो चुरा लेते हैं, नॉर्मल आम पीपल नहीं चुराती है, अच्छी लोग हैं यहाँ के। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे। ठीक है टुक टुक वालों से भैया बच के रहना क्योंकि टुक टुक वाले यहाँ पे खतरनाक भाव बताते हैं। ठीक है और फुल बार्गेनिंग इनके साथ करना पड़ता है और फिर भी आपको महंगा ही छोड़ते हैं ये। ठीक है तो टुक टुक से आप बच के रहें, पिक मी ऐप लें उसमें ऑटो भी बुक हो जाता है और उसमें ये बाइक वगैरह भी बुक हो जाती है। तो भैया आ गए हमारे पिकअप के ड्राइवर, अभी हम निकलते हैं। हाउ मच इज अर्निंग हियर फ्रॉम इज दिस पिक मी ऐप? 85,000 सात से आठ घंटे काम करते हैं और कमाते हैं भाई 1,00,000 रुपये समथिंग LKR, मतलब अपना हो गया 30,000 समथिंग कमा लेते हैं बाइक एप्लीकेशन से। भाई ये है ब्रिज, ब्रिज के ऊपर भी देखो भाई सब सामान वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई दिस इज फोर्ट रेलवे स्टेशन, यहाँ पे ये आ गया टिकट काउंटर। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ मैंने डिफरेंस देखा है, 12 नंबर 13 नंबर कोलंबो टू मातारा, कोलंबो टू रंबुंका और ऐसा करके ना अलग अलग यहाँ पे टिकट काउंटर ही अलग अलग है तो वहाँ पे उसी रूट का टिकट मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे किस स्टेशन आपको जाना है, उसके हिसाब से पूछ के उसी काउंटर पे आपको टिकट लेना है। तो भाइयों टिकट अपने ले लिया है, ये मेरा टिकट है कोलगावेला के लिए और ये है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर मुझे जाना है। ठीक है 180 रुपीज़ का टिकट आया है, करीब 60 रुपये का टिकट है ये और जर्नी जो है वो है भाई करीब करीब 90 किलोमीटर की जर्नी है यहाँ पर। ये यहाँ की ऐसी ट्रेन है, कोच भाई अलग अलग है, मैंने जो लिया ये है 3rd क्लास का टिकट। पुलिस वाले भाई साहब ने मैंने काफ़ी बातें वगैरह की है तो उन्होंने ये बताया कि जैसे ये देखो ये 3 स्टेप है ना, 1, 2, 3 लाइन है, 3 लाइन है मतलब 3rd क्लास और 2 लाइन अगर होगी तो 2nd क्लास। तो ये इससे पता चलता है कि कौन सा क्लास का ये टिकट है। जैसे ये दिस वन 3 मीन्स 3rd क्लास सर, हाँ 3 मीन्स 3rd क्लास एंड 2nd। हाँ तो भैया बहुत सही सिस्टम है, 3 लिखा हुआ है ऊपर ही और 2 लिखा होता है और 1 लिखा होता है तो उससे समझ जाओ कि 3rd क्लास है 2nd क्लास है या 1st क्लास है। बढ़िया सिस्टम है यार ये, ठीक लगा अपने को। तो भाइयों एक करेक्शन करना चाहूँगा, मैंने अभी सुबह इसी वीडियो में बोला था कि भाई यहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट का सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ उसी स्टेशन पर था क्योंकि वो एक छोटा सा स्टेशन था तो वहाँ पर पब्लिक वगैरह ज़्यादा आती नहीं है भाई। लेकिन जो भी बड़े बड़े स्टेशन या यहाँ पे सिस्टम होता है प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है 20 रुपये का और वैलिड होता है भाई, वो पूरे दिन के लिए वैलिड होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ प्लेटफॉर्म टिकट और टिकट वगैरह चेक वगैरह भी यहाँ बराबर होता है भाई, वापस बाहर निकलते समय ट्रेन के अंदर वो पूरा सिस्टम है इनका। भाई गाड़ी आ गई है कोलगामर के लिए, ये देखो 2 नंबर है, आगे है 3 नंबर तो हमको जाना है भाई 3 नंबर के लिए। वाक्य पकड़ो भाई, वो
भाई घुस गए हैं ट्रेन में भाई, खचा खच भरी पड़ी है ट्रेन तो लगता है खड़े होके जाना पड़ेगा। ओ भाई भरी पड़ी है भाई, खतरनाक मतलब खड़े होके जाओ तो भाई पाँव देने की भी जगह नहीं है ये समझ लो। यहाँ पे भी अभी और भी लोग चढ़ रहे हैं तो ऐसे ही जाना पड़ेगा ना, वी विल ट्रेवल लाइक दैट। तो भैया पूरा पसीने से भर चुके हैं और गाड़ी जो अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि ये स्टार्ट होगी भाई 12:40 पे और लोग भाई 15-20 मिनट पहले ही घुस गए सब क्योंकि ट्रेन रोकना पड़ता है ना। अभी देखो भाई बिल्कुल भाई पाँव देने की भी जगह नहीं है और मैं सोच रहा हूँ भाई गाड़ी स्टार्ट हो जाए ना तो फिर हवा तो आए कम से कम। ट्रेन इज नॉट, और भैया बता रहे हैं कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि 2 ट्रेनें कैंसिल हो गई है तो इस वजह से वो सारा रश भी भाई इसमें आया और ट्रेन रुकती रुकती जाएगी। मेरा सफ़र तो भाई वैसे 1.5 घंटे का है लेकिन 1.5 घंटा भाई भारी पड़ जाएगा मेरे को भाई, पाँव देने की भी जगह नहीं है समझ लो। कोई नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस श्रीलंका में मिलेगा भाई, मज़ा आएगा। कोई नहीं भाई, 25 से 30 मिनट खड़े रहने के बाद भैया ये ट्रेन चली है और 30 मिनट में तो भाई सबकी हालत ख़राब हो गई है, देख लो यार इतना पसीने और अभी गाड़ी फाइनली स्टार्ट हुई है, देख लो जगह भी नहीं है। हाँ भाई ट्रेन चलेगी तब हवा आएगी यार, तब थोड़ा सा होगा, सारे के बिना तो खड़ा भी नहीं रह पा रहे। देखो ये सारा लिया है, वाओ थोड़ा एक्सपीरियंस। भाई सबसे ज़्यादा तकलीफ तब आती है जब किसी को निकलना होता है और आप देख सकते हो महिलाएं लड़कियां वगैरह सब सब लाइन में है भाई और सब सफ़र कर रहे हैं उतरने के लिए भाई सबको उतरना पड़ता है और अभी और चल रहे हैं काफ़ी लोग, कहाँ घुसेंगे यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। सीधा खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मैंने ये सारा लिया हुआ क्योंकि जगह नहीं है भाई पाँव देने की। भाई अभी हालात खराब हो रहे हैं भाई, खतरनाक एक्सपीरियंस है यार ये तो। भाई हम तो चलो कोई नहीं जवान है लेकिन ये देखो वृद्ध है उनका क्या हाल हुआ होगा, ये जगह देने की पाँव देने की जगह नहीं भाई, पाँव दुख रहे हैं यार। तो भाई मेरे को तो चलो लोकल क्लास का ही एक्सपीरियंस दिखाना था आपको, इसीलिए मैंने इसमें सफ़र किया, मुझे पता था भाई फुल रहेगी फिर भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो भाई सेकंड क्लास में कराओ, वहाँ पे सीट मिलती है, फर्स्ट क्लास में भी और भी अच्छी भाई सीट वगैरह मिलेगी तो वो वाला है, वहाँ पे कंफर्टेबल है, वहाँ कोई घुस नहीं सकता ऐसे, लेकिन लोकल तो भैया इसमें तो घुसेंगे ना यार अपने जैसा। हमारी बढ़िया भाई, फाइनली एक और स्टेशन आया, ये सर थोड़ा सा बड़ा स्टेशन है तो यहाँ पर पीछे लोग उतरे हैं पर भाई ये घुसेंगे कहाँ भाई, उतरे तो भाई 4 लोग हैं और चढ़े भाई 8-9 लोग हैं, अरे भाई जगह तो है नहीं बिल्कुल भाई, मेरे को तो डर है यार किसी को तो दमा वमा नहीं हो जाए यार मर ना जावे दब के। और भाई भाई मेरे को तो पानी पीना है यार, पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ भैया, खड़ा रहने तो लड़के लोग तो लटक जाए यार, महिलाएं कैसे लटकेगी ये समझो आप। क्रेजी ट्रेन जर्नी क्रेजी भाई, इसमें भी मजे ले रहे हैं यार, नहीं तो भाई रोलो बाल लटका पड़ेगा इनको, ये तो ट्रेन चल जाएगी भाई 2 मिनट रुकती है चल जाती है, चल गई तो ये लड़कियों को बाहर लटक के जाना पड़ेगा। अरे भाई
भाई इन आंटी की हालत खराब है, ये सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, दब गए, छोटी हाइट भी है ना भाई, मेरे को तो पानी पीना है पर पानी पीने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को, मेरे को भी अभी भाई चक्कर आ जाएंगे सच में, मेरी तो हालत खराब हो गई यार, पानी तो पीने तो रहे फाइनली चल गई है भाई वापस, देखो यार दब गए यार। I want to show outside, but I cannot. I cannot outside. Outside is very beautiful, but inside is horrible. I'm worried about auntie and ladies because how they survive. Boys can, but how? तो भाई एक बात मैंने ये नोट की है कि यहाँ के लोगों में पेशेंस बहुत है यार, सच में यार इतनी हालत खराब है आप देख लो, फिर भी कोई धकम की नहीं है, कोई मतलब झगड़ा नहीं हो रहा है, बहुत पेशेंस है, और अगर आप स्माइल कर रहे हैं मतलब ये देख लो, पीपल आर हियर सो पेशेंट, सो पेशेंट इवन दे स्माइलिंग एंड दे लाइक दिस यूज्ड टू, या या नो कंप्लेंट। तो भाइयों यहाँ पे ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड से भैया मेरा ये कट गया था, ठीक है काफ़ी पहले, और मैं तो भूल गया भाई ये दर्द कुछ भी नहीं है, जिस जो ये जो भाई पेन है ना, ये पेन मेरे लिए ज़्यादा है, ये पेन तो मैं भूल भी गया था और उसकी वजह से यार पता नहीं चला, भैया के भी देखो शर्ट पे लगा मेरे, देखो भाई मेरे भाई पूरे पैंट वेंट पे लग गया पूरा, तो सॉरी सॉरी आई ऑल्सो डोंट नो, और भैया से मिल गया बहुत अच्छा लगा यार सच में, भैया से पूरे टाइम बात कर रहे हैं, भैया हिम्मत दे रहे हैं हमको, व्हाट्स योर नेम ब्रदर, श्रीराम, श्रीराम nice to meet you, very nice to meet you, bye bye, nice meeting you, yeah wait how uncle you want to go na, now wait I'm giving space, ab kitne log chadenge bhai, aur bhai na hai yaar ye fir se bhar jayega, chalo apan to corner pakad lete hain, ek ye koi station aaya yahan pe, तो भैया इस स्टेशन पे काफी सारे लोग उतरे हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स हमको लग रहा है, देखो थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं, फिर भी थोड़ा सांस लेने जैसा तो हुआ है, और मेरा स्टेशन शायद 2-3 स्टेशन आगे ही है मेरा, ये यहाँ पे आया एक और स्टेशन अम्बेपुसा, और देखो यार स्टेशन कितने प्यारे हैं, नेचर से भरे हुए देखो यहाँ, और भैया जो यहाँ से उतर रहा है ना वो तो ये समझ लो समझ रहा है किला जीत लिया भाई मैंने, और बड़े खुश हो रहे हैं जो यहाँ से उतर के जा रहे हैं, हाँ भाई मेरा भी अब एक दो स्टेशन बचा है बस, फिर मैं भी वही फीलिंग लूँगा। तो भाई अभी और स्टेशन पे रुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा खाली हो गया है, और बैठा हूँ भाई यार हालत ख़राब हो गई सच में, भाई सफ़र में लग गए भाई 2 घंटे, ट्रेन भी लेट थी तो बहुत हालत ख़राब हो गई, और देखो भाई क्या हो गया मेरे साथ इस ट्रेन में, देखो भाई पूरा खूनम खून हो गया है, क्या करें भाई बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा यार, मतलब इस ट्रेन में आज के बाद नहीं बहुत बुरा हुआ, बट कोई नहीं इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, सो या जर्नी डिफिकल्ट थी लेकिन ठीक है मज़ा आया, मज़ा तो क्या आया यार हालत ख़राब हुई सच में, बार पहले बाहर जाऊँ यार फिर मैं क्लीनअप वगैरह सब करना पड़ेगा यार। तो भाइयों सिर्फ 1 मिनट में मेरा स्टेशन आने वाला है, और अब जाके मुझे यहाँ पे बैठने की जगह मिली है, तो ठीक है यार भाई बहुत ही खतरनाक वाला एक्सपीरियंस है, नेवर फॉरगेट माय लाइफ। तो मिलके अच्छा लगा भाई ये भूटान से है, ये स्टडी कर रहा है भाई पूरे टाइम बाहर रहा है, ले सकते हो ना पूरे टाइम, ऑल द टाइम ऑन द नो प्रॉब्लम, आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, देख लो कोलगा वेला जंक्शन फाइनली दैट्स गुड भाई, फाइनली आ गए यार इतना स्ट्रगल करने के बाद हमारा स्टेशन आ गया, 2 घंटे भाई मेरी लाइफ के सबसे खतरनाक देते ब्रदर, नाइस नाइस टू मीट यू, बाय 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 बाय, अरे बाय 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 भाई एडवेंचर जर्नी, वेलकम टू कोलगा वेला जंक्शन, हाँ भाई अभी कॉर्नर पकड़ता हूँ एक, ठीक है फिर ये जो लगी है भाई इसको क्लीन करता हूँ थोड़ा, और गई हमारी ट्रेन, वाह भाई वाह
क्या एक्सपीरियंस दिया है भाई, ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा सच में। ये मेरे 2 घंटे मेरी लाइफ के भाई ख़तरनाक वाला एक्सपीरियंस था, ठीक है। और यहाँ पे भैया मैं आया हूँ स्पेशली एक यूनिक एक्सपीरियंस लेने के लिए, और वो एक्सपीरियंस भाई मुझे आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, अगले या उससे अगले वीडियो में, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई अब इस विलेज के अंदर कहाँ पे मैं रहूँगा या क्या करूँगा, वो तो अब जाऊँगा जब पता चलेगा। भाई मेरे ख्याल से ये एक छोटा सा विलेज है, ये क्या तो इतनी प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों हुई है, क्योंकि देखो एक तो श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है इसका जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी भाई लॉस में चल रहा है, ठीक है। तो ट्रेनें भी जो है भाई छोटी छोटी ट्रेनें हैं और लॉन्ग डिस्टेंस की भी नहीं है, तो इसीलिए जो ट्रेनें हैं भाई वो पैक रहती है, मोस्टली पैक रहती है, और लोकल तो बिल्कुल ही पैक रहती है जैक आपने देखा। हालांकि इस तरह का हमेशा माहौल नहीं रहता है, लेकिन 2 ट्रेनें कैंसिल हो गई थी इस वजह से ये माहौल हुआ था। लेकिन ठीक है भाई, अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट अगर बढ़ा दे वे ट्रेनें वगैरह बढ़ा दे, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस अगर कर दे, लेकिन वो करेंगे कैसे, उनके पास भाई ऑलरेडी लॉस में चल रही है तो वो ये भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है भाई। पर एक बात है, यहाँ के जो लोग हैं भाई उनमें बहुत पेशेंस लेवल है यार, गजब पेशेंस लेवल। आपने देखा ना किस तरीके से हम आए हैं और किस तरीके से लोग फिर भी स्माइल कर रहे हैं इतनी प्रॉब्लम के बाद भी। कई तो भैया लेडीज़ वगैरह, एक तो लड़की आई भाई वो थोड़ी हाईफाई थी बिल्कुल ही भाई, उसको इतना वियर्ड फील हो रहा था क्योंकि भाई सब चिपक चिपक के आए हैं ये समझ लो, बिल्कुल जगह नहीं है भाई कुछ भी करने की, हालत ख़राब हो गई यार। तो भैया आपको अगर इस तरह का एक्सपीरियंस लेना है तो भैया इस ट्रेन में आना, नहीं तो भैया आप सेकेंड क्लास ले लो या फर्स्ट क्लास टिकट ले लो, सेकेंड क्लास ले लो मेरे हिसाब से, वो ठीक रहेगा आपके लिए। तो चलो अभी अब क्या होगा आगे मेरे साथ वो तो भैया अगले वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कीप ट्रैवल एंड कीप एंजॉय योर लाइफ एंड वेलकम टू श्रीलंका। सर तो बोल रहे हैं कि भाई तुम सब छोड़ो, तुम मेरे रूम पर रह जाओ मेरे घर। तो भाइयों अंदर जंगल में तो आ गए, लेकिन हमको यहाँ पे होटल में चेक इन ही नहीं मिला।